सो हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द सेशन ऑफ पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन एज यूजुअली आई विल ब्रिंग टू यू सम मोर न्यूज फ्रॉम द पीआईबी। पीआईबी गाइस काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है सारे एग्जाम्स के लिए और इन सेशंस में हम पढ़ते हैं अबाउट द आरबीआई ग्रेड बी। वंस अगेन यस, सो इन सेशंस में हम पढ़ते हैं अबाउट द आरबीआई ग्रेड बी एसआई सेक्शन अबाउट नबार्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड बिफोर वी बिगिन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लो जल्दी से ताकि तुम्हें डेली क्विज की अपडेट मिलते रहे। डेली क्विज काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में यूजफुल रहेंगी। इसमें हर सब्जेक्ट के क्विज होते हैं। ओके, एंड दीज आर द फोर टॉपिक्स गाइस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। दिस टुडे सेशन गाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, इसमें हम बहुत सारी स्कीम्स डिस्कस करेंगे दैट इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। सो दीज आर द फोर टॉपिक्स: प्रोग्रेस इन इंडियन फार्मर इंडस्ट्री, सेवा दिवस बाय केवीआईसी, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एंड एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन गाइस। दिस क्वेश्चन नंबर 1, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फार्मा इंडस्ट्री इन इंडिया एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज द न्यूज। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूज क्या आई है। सो रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है मिस्टर डीवी सदानंद गौड़ा, कैन यू टेल मी द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ सदानंद गौड़ा, राइट डाउन इन द कमेंट्स द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैंने पिछले कई सेशंस में आपको बताया है। सो इन्होंने एक रिपोर्ट, एक रिटर्न रिप्लाई में बताया है अबाउट द प्रोग्रेस जो कि हुई है इन द इंडियन फार्मा सेक्टर। जो भारत का फार्मा सेक्टर है उसमें क्या क्या प्रोग्रेसेस हुई है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी इन द लोकसभा। सो लेट अस डिस्कस। सो सबसे पहले अगर हम फार्मा इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हुए बताया दैट इंडिया हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीपीई किट्स इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है अब दुनिया में दूसरे नंबर पे है। देन ही सेड कि जो हमारा इंडिजीनियस प्रोडक्शन कैपेसिटी है वेंटिलेटर का वो अब कितना हो चुका है, 3 लाख पर एनम, यानी कि हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है ऑफ द वेंटिलेटर्स वो कितनी हो चुकी है, 3 लाख एक साल में। इसके अलावा हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज डिस्कस करी थी कि देयर विल बी 3 बल्क ड्रग पार्क्स एंड 4 मेडिकल डिवाइसेस पार्क दैट विल बी सेट अप अक्रॉस द कंट्री। तो ये भी बताया गया है बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स एंड ऑल्सो ही एडेड दैट आफ्टर द कंप्लीशन, आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दीज बल्क ड्रग पार्क एंड मेडिकल डिवाइसेस पार्क देयर इज एन मतलब एक अनुमान लगाया गया है कि 2.5 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा एंड इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट का अनुमान है दैट इज रुपीज 78,000 करोड़। ओके, सो दिस इज अबाउट द फार्मा इंडस्ट्री। एंड इसके अलावा उन्होंने एक बात और बताई अबाउट द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, अबाउट द प्रोग्रेस, अबाउट द सक्सेस ऑफ द भारतीय जन औषधि परियोजना। सो ही स्टेटेड दैट देयर इज अ टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र टू 10,500 बाय द मार्च 2025 तक जो हमारे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है वो कितने कर दिए जाएंगे, 10,500 ऐसा बोला गया। और 15 सितंबर 2020 तक जो नंबर ऑफ जन औषधि केंद्र है वो कितने हैं, 6606। ओके, एंड इसके अलावा इन्होंने बताया दैट देयर आर करंटली 4 वेयर हाउसेज ऑफ प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, 4 वेयर हाउसेज है, कहां कहां पे है, गुरुग्राम में है, चेन्नई में, बेंगलुरु और गुवाहाटी, और 2 और वेयर हाउसेज जो है वो आएंगे इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अभी लोकेशन डिसाइड नहीं की गई है, जस्ट ये डिसाइड किया गया दैट 2 वेयर हाउसेज विल कम अप इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। इसके अलावा जो जन औषधि केंद्र है उन्होंने लॉकडाउन के बाद भी काफी अच्छा टर्नओवर अटेन किया ऑफ 146.59 करोड़ इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020-21। ओके, सो दिस इज सम अचीवमेंट दैट हैव बीन मेड बाय द प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना एंड द इंडियन फार्मा सेक्टर। एंड अगर गाइज हम बात करते हैं अबाउट द प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, सो इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2008 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स बट इट वॉज रिक्रिस्टिन्ड इन 2015। इसको रिक्रिस्टिन कर दिया गया था इन द 2015, पहले किसी और नाम से चलता था। इन द 2008 इसको लॉन्च किया गया बट इट वॉज रिक्रिस्टिन्ड इन 2015 एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर दिस स्कीम इज ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया। आई होप कि आपने इसका नाम सुना होगा, लेकिन अभी भी आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया का नाम भी नहीं सुना होगा। सो जिन लोगों ने नाम नहीं सुना था या जिन लोगों ने सुना भी हुआ है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया। ओके, एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटी मेडिसिन एंड टू एक्सटेंड द कवरेज ऑफ मेडिसिन टू रिड्यूस द
आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ द हाउस होल्ड्स। ओके, जो दवाइयों पे हमारा इतना ज्यादा खर्चा होता है उसको कम करने के लिए और हमें क्वालिटी मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइसेस पे एक्सेस कराने के लिए दिस स्कीम वॉज लॉन्च, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। ओके, एंड नाउ गाइज लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर बेस्ड ऑन दिस न्यूज। सो अंडर दिस परियोजना एक्सेस टू क्वालिटी मेडिसिन इज प्रोवाइडेड, विच एजेंसी इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द स्कीम, द वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। अगर इस स्कीम से क्वेश्चन आया तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी का जरूर होगा, बिकॉज बहुत ही अनकॉमन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी, कई लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। सो द नेम ऑफ द एजेंसी गाइज इज वॉट, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्किप हो गया। विद रिस्पेक्ट टू द फार्मा इंडस्ट्री इन इंडिया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सो वी हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फार्मा इंडस्ट्री। सो इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीपीई किट्स इन द वर्ल्ड, नो, इंडिया इज नाउ द सेकंड लार्जेस्ट। ओके, इंडिया इज करंटली द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीपीई किट्स, सो दिस स्टेटमेंट गाइज इज इनकरेक्ट। आई होप आपको ये विजिबल है सारा। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ वेंटिलेटर्स हैज इंक्रीज टू 3 लाख पर एनम, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड टारगेट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीएम जनौषधि केंद्रास टू 10,500 बाय मार्च 2025, दिस इज ऑल्सो करेक्ट गाइज। So we have 2 correct statements here, statement number 2 and statement number 3. So therefore, the correct answer will be what, option B, only 2 and 3. Okay, and I hope guys, aapko question number 1 and 2 dono clear hai. Now let's move on to the next news. The next news is about the Seva Divas that was observed on 17th of September on the occasion of birthday of our Prime Minister Narendra Modi. So the question is, which of the following initiatives were launched by KVIC on Seva Divas? That was observed on 17th September. And KVIC के बारे में guys, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। KVIC chairperson is Mr. Vinay Kumar Saxena. It is headquartered in Mumbai. It was established by KVIC Act of 1956, but it was established in the 1957. But the name of the act is KVIC Act of 1956. Okay. Now let's move on to the news. कि news क्या है आज की वो देख लेते हैं। न्यूज में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने सेलिब्रेट किया सेवा दिवस और काफी सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, कई जगहों पे कुछ चीजें बांटी, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल केवीआईसी ने एक्सटेंड किया है द बेनिफिट्स ऑफ वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स टू 1500% इन 10 इंडियन सिटीज। अलग अलग तरीके की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स है उसको इम्प्लीमेंट करा टू 1500% इन अलग अलग 10 सिटीज में। इसके अलावा स्फूर्ति क्लस्टर ऑफ 500 आर्टिसंस फॉर मेकिंग हैंड नोटेड कार्पेट्स वर इनॉग्रेटेड इन प्रयागराज। ओके, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, बट यस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट, फर्स्ट फुटवेयर ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड इन वाराणसी। पहला फुटवेयर ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर कहां पे आया, वाराणसी में। और इससे पहले भी एक फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर लॉन्च किया गया था बाय केवीआईसी वेयर इन दिल्ली, आई होप आपको ये याद है। एंड इन द विलेज ऑफ चुल्लू, एक विलेज है चुल्लू कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपको याद हो तो हमने पीआईबी में डिस्कस किया था दैट देयर विल बी अ सिल्क प्रोसेसिंग सेंटर इन अरुणाचल प्रदेश फॉर एरी सिल्क, रिमेंबर दिस, एरी सिल्क के लिए हमने पढ़ा था। सो कहां पे होगा, अरुणाचल प्रदेश में चुल्लू विलेज में, उसको लॉन्च कर दिया गया है। एट दैट टाइम वी हैव डिस्कस्ड दैट इट इज गोइंग टू बी लॉन्च, बट नाउ इट हैज बीन लॉन्च बाय केवीआईसी। ओके, एंड इसके अलावा एक और सिल्क प्रोसेसिंग सेंटर है जो कि सुरेंद्र नगर में लॉन्च किया गया था बाय द केवीआईसी सुरेंद्र नगर विच इज इन गुजरात। एंड ये जो सिल्क प्रोसेसिंग सेंटर था दैट इज टू प्रमोट द पटोला साड़ीज, एंड पटोला साड़ीज आर वेरी फेमस इन सुरेंद्र नगर इन गुजरात। ओके, एंड अदर इनिशिएटिव्स आर टू प्रोवाइड खादी आर्टिसन विद बेटर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। दो खादी के सेल आउटलेट्स खोले जाएंगे कहां पे, बारकेडी इन भोपाल एंड कोयम्बटोर इन तमिलनाडु। ओके, एंड केवीआईसी ने 6 इनोवेटिव साइकिल माउंटेड टी और कॉफी सेलिंग यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट करे अंडर द प्रोजेक्ट डिग्नी टी। ओके, द प्रोजेक्ट नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज व्हाट, डिग्नी टी। इस प्रोजेक्ट के अंदर 6 इनोवेटिव साइकिल माउंटेड टी कॉफी सेलिंग यूनिट्स, बेसिकली वो साइकिल होती है, साइकिल के ऊपर ही चाय का पूरा अरेंजमेंट होता है चाय बनाने का, तो उस तरीके के यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, कितने, 6, और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, डिग्निटी। ओके, सो दीज आर सम इनिशिएटिव्स दैट वर टेकन बाय केवीआईसी एंड दिस इज सम ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट केवीआईसी। सो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1957 बाय दिस एक्ट, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई फॉर द फ्लरिशमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। करंट चेयरपर्सन हमें पता है एंड ऑफिस भी हमें पता है। ओके,
So this was about this news, guys. Now let's come back to the question. Question is what? Which of the following initiatives were launched by KVIC on Seva Divas? So statement number one is first footwear training cum production center was inaugurated in Varanasi. This is absolutely correct. Two khadi sales outlets in Barkhedi in Bhopal and Coimbatore in Tamil Nadu were inaugurated. Correct. And Sfoorti cluster of 500 artisans for making hand knotted carpets was inaugurated in Prayagraj. This is also correct. So all are inaugurated will be the correct answer. Okay. Now let's move on to the next news, which is about the Minority Affairs Ministry. So अभी Minority Affairs Ministry ने भी लोकसभा में एक reply submit किया, ये बताते हुए कि उन्होंने Minority Affairs, जो Minority Communities हमारे देश में, उनके लिए क्या-क्या किया. So this news is all about that. So now let's discuss the news. So उन्होंने बताया that Ministry of Minority Affairs has launched various scheme for the 6 notified Minority Communities in India, जो अभी हम सबको पता है कौन है, Buddhist, Christian, Jain, Muslim, Parsi and Sikhs. तो Ministry of Minority Affairs, which is headed by Mr. Mukhtar Abbas Naqvi, उन्होंने बताया कि इन छह minority communities के लिए काफी सारी स्कीम लॉन्च की गई हैं by the Ministry of Minorities. And guys, these are the scheme. So first of all, Maulana Azad National Fellowship Scheme, which is for providing the fellowship in the form of financial assistance. Then Naya Savera Scheme, that was for providing free coaching to those students or candidates who belongs to the economically weaker sections in the minority communities. Padho Pradesh is the scheme of interest subsidy to the students of EWS section taki unka educational loan mil sake properly. And Nai Udaan is for those students jinhone UPSC, State PSC, SSC ya fir kisi bhi exam ka pre nikal diya hai. Pre nikalne ke baad jo bhi tarike ka support hota hai, that is provided under the Nai Udaan. Then we have Nai Roshni, which is leadership development of women belonging to the minority communities. Then we have Nai Manzil, which is a scheme for formal school education and skilling of school dropouts. And then we have Hamari Dharohar. Hamari Dharohar kya hai? A scheme to preserve rich heritage of the minority communities in India. Ek ek line bas aapko padhni hai inke bare mein. Inme se exam mein question zarur aa raha hai aapke paper mein 100%. Because RBI ESI section mein social issues se bhi question aata hai. And minority community se related social issues hamare desh mein bahut saare hain. So ek question guys pakka hai isme se ye. Aur isme best baat ye hai, इतनी सारी स्कीम्स के आपको दो चीजें याद हो रही हैं, पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा मिनिस्ट्री. इन सभी स्कीम्स की मिनिस्ट्री एक ही है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. एंड ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता ही रहा हूं. सो अगर इनसे रिलेटेड मिनिस्ट्री भी पूछी जाएगी तो यू कैन इजीली टेल द आंसर. नाउ सीखो और कमाओ स्किल डेवलपमेंट स्कीम है फॉर द पर्सन फ्रॉम द एज ग्रुप 14 to 35 ईयर्स, एमिंग एट इंप्रूविंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कर्स एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ताकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज एरियाज है वहां पे जो भी गैप रह गया है डेवलपमेंट में उसको फिल किया जा सके. जियो पारसी इज द स्कीम फॉर कंटेनिंग द पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ पारसी इन आर कंट्री. एंड उस्ताद, उस्ताद के बारे में हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था. हुनर हाट जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था दैट हुनर हाट आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द स्कीम उस्ताद. सो उस्ताद स्टैंड्स फॉर अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स or craft for development. Okay. And it has been launched to preserve the rich heritage of traditional skills of indigenous artisans and crafts. Okay. So guys, this was about all these scheme. And ye choti si scheme hai, iske bare mein jaan lo. I think it is important. Aur iske bare mein humne isse pehle kabhi dekha bhi nahi hai. Aur jo thoda sa important bhi hai. So it can be asked in your exam. So this is Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram. Okay. So this was launched in 2008 as multi-sectoral development program. सबसे पहले ये किसके फॉर्म में लॉन्च हुआ था, multi-sectoral development program in the 2008, but it was rechristened as प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम in the year 2018. Okay. और ये क्यों लॉन्च किया गया था, as I told you, it has been launched to fill the gaps in the development of the minority concentration areas. हमारे देश में minority concentration areas जो है जहां पे development छूट गया है उसको fill करने के लिए इसके अंदर फंड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं स्टेट्स को टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट दे कैन चेंज दे कैन एनहांस द लाइवलीहुड ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज. देन 80% जो होता है इसके रिसोर्सेज का दैट इज यूटिलाइज फॉर द प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू एजुकेशन हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट. ऑलराइट. एंड बेनिफिशियरीज एरियाज आर आइडेंटिफाइड एज पर द सेंसस 2011. सो एक छोटी सी स्कीम है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दिया जाए. नाउ गाइज लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. सो आई होप आपको ये सारी स्कीम्स क्लियर हैं.
So which of the following scheme is not being implemented by the Ministry of Minority Affairs? इनमें से कौन सी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा इंप्लीमेंट नहीं की जा रही? तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिकॉज रिसेंटली सारी स्कीम की लिस्ट दी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। सो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। सो नया सवेरा, पढ़ो प्रदेश, नई उड़ान, उस्ताद, ऑल ऑफ दी स्कीम्स आर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एक्सेप्ट वन बंधु कल्याण योजना विच इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये भी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था। सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज फॉर टूडे। सो लास्ट न्यूज गाइज टूडे इज फॉर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स विच वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय वर्ल्ड बैंक। वन सेकेंड, आई थिंक आई हैव डन, ओके नो, एवरीथिंग इज फाइन। ऑलराइट, सो फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स विच वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय वर्ल्ड बैंक। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडेक्स। ओके, सो दिस गाइज इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें पढ़ लोगे उसी में आपका काम चल जाएगा। ज्यादा पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा, थोड़ा बहुत पढ़ो और ज्यादा नंबर लाओ। ओके, सो वर्ल्ड बैंक हैज रिलीज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस इंडेक्स वर्ल्ड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स विच मैप्स द 174 कंट्रीज। टोटल कंट्रीज कितनी थी इसमें? 174 कंट्रीज थी। और इस इंडेक्स में हेल्थ और एजुकेशन डेटा है ऑफ द 98% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड टिल मार्च 2020। ये तो पूरा डेटा है, मार्च 2020 तक लिया गया है। इसमें कोविड के इफेक्ट को भी चेक किया गया था, क्योंकि मतलब बेसिकली इसमें कंपेयर किया गया है बिफोर कोविड कैसा था और आफ्टर कोविड जो भी 4-5 महीने है उसमें कैसा है। ओके, सो इट प्रोवाइडेड प्री कोविड बेसलाइन ऑन द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। प्री कोविड जो बच्चों का हेल्थ और एजुकेशन था वो उसका बेसलाइन क्या था ये वो प्रोवाइड कराएगा। एंड देन वी कैन इजिली कंपेयर द पोस्ट कोविड डेटा रिलेटेड टू हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, एंड दीज आर द 5 इंडिकेटर्स: Child survival, expected years of school, harmonized test score, fraction of children under 5 not stunted, and adult survival. And as I already told you, पहले भी मैंने आपको कई बार बताया कि जो indicators है उनके डिटेल में जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। And these are some other information. So globally, a child could expect to attain an average of 56% of his potential productivity as a future worker. Total income जो है that has been gone down by 11% or 12%। इसमें दोनों ऐसे exact इन्होंने नहीं बताया है, they have said that 11% or 12%, right? And 80 million children are missing on essential vaccination। 80 million children हमारे दुनिया में आज भी ऐसे हैं जिनको essential vaccination नहीं provide कराई जा रही। So this is again a major cause of concern for all of us। And these are the top 3 countries: Singapore, Hong Kong and China। Hong Kong और China के बीच में tie था, इन दोनों का स्कोर बराबर था। नंबर 3 पे इट इज जापान। एंड इंडिया का रैंक इज 116 विद अ स्कोर ऑफ 0.49। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट दिस इंडेक्स गाइस। इससे ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इतने से पढ़ लोगे, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली कर पाओगे। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो 174 कंट्रीज वर कवर्ड इन द इंडेक्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। देयर वर 5 इंडिकेटर्स, यस। एंड इंडियाज रैंक इज 16 with a score of 0.49. This is also correct. So all are correct, guys, will be the correct answer. Okay. And guys, that's it for the session today. I hope you like it. For more updates, you can subscribe to our channel for sessions like this. Milte hain kal ke session mein. Thank you so much for watching. Goodbye, take care, and God bless.